नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। शिक्षक भर्ती परीक्षा में बनेगी बायोमेट्रिक हाजिरी। बिहार में बिजली दरें एक समान करने की हो रही तैयारी। मछली पालन के लिए किसानों को केसीसी नहीं दे रहे बैंक। के पाठक का निर्देश, एक दिन में 10 डिग्री कॉलेजों विद्यालयों का होगा निरीक्षण। WTC पॉइंट्स टेबल में हुआ बड़ा फेरबदल, टीम इंडिया इतने नंबर पर है मौजूद। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में कक्षा 9 से 12वीं तक अब हर महीने परीक्षा देंगे छात्र। बिहार में शिक्षा विभाग की ओर से पहली बार कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के लिए नियमित तौर पर मासिक परीक्षा कराने का फैसला लिया गया है। मालूम हो कि इस परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएंगी और साथ ही इन परीक्षाओं में जितने भी खर्च आएंगे उनका भुगतान भी शिक्षा विभाग की ओर से किया जाएगा। बता दें कि विभाग की ओर से सितंबर और उसके अगले माह की परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वहीं इस परीक्षा का परिणाम घोषित करने के लिए बोर्ड की ओर से एक ऐप का भी निर्माण किया जाएगा। इस पर जो रिजल्ट आएगा उसका विश्लेषण कर असंतोषजनक पाए जाने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया जाएगा। प्रश्न पत्रों का स्तर और उनका पैटर्न पूरे प्रदेश के स्कूलों में समान होगा और उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन की जिम्मेदारी स्कूलों के जिम्मे ही रहेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सत्र 2023-24 में मासिक परीक्षा की शुरुआत सितंबर से होने वाली है, तो वहीं अगले सत्र से यह परीक्षा एक माह पहले शुरू हो जाएगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा में बनेगी बायोमेट्रिक हाजिरी। अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जो शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले हैं तो बता दें कि इस परीक्षा में बायोमेट्रिक हाजिरी बनाई जाएगी। मालूम हो कि ऐसा इसलिए किया जा रहा ताकि परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो और कोई फर्जी परीक्षार्थी परीक्षा में ना शामिल हो पाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैसे परीक्षार्थी जो परीक्षा में गड़बड़ी करते हुए पाए जाते हैं उन्हें सीधे जेल भेज दिया जाएगा और साथ ही बिहार की परीक्षाओं से 5 सालों के लिए वह वंचित भी कर दिए जाएंगे। मालूम हो कि सभी केंद्रों पर जैमर भी लगाया जाएगा। वहीं राज्य के सभी DM को निर्देश दिया गया है कि वह अच्छे परीक्षा केंद्रों का चयन करें ताकि किसी तरह की धांधली ना हो सके। बता दें कि बहुत जल्द ही बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से परीक्षा के शेड्यूल भी जारी कर दी जाएगी। बिहार को मिला रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड। बेंगलुरु में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट 2023 में बिहार को प्रतिष्ठित रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बता दें कि सम्मान को बिहार पर्यटन विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह और निदेशक विनय कुमार राय के द्वारा लिया गया। वहीं इस अवार्ड को लेकर बिहार पर्यटन विभाग के सचिव और निदेशक के द्वारा गौरव का क्षण बताते हुए कहा गया कि इस अवार्ड का श्रेय हमारे पर्यटन विभाग के पदाधिकारियों और कर्मियों को जाता है। विभाग आगे भी लगातार अपने पर्यटन स्थल को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करता रहेगा ताकि हम देश में एक बेहतर पर्यटन राज्य के रूप में स्थान हासिल करते रहें। बिहार में बिजली दरें एक समान करने की हो रही तैयारी। आने वाले दिनों में बिहार में बिजली दर का स्लैब खत्म होने वाला है, जिसके बाद घरेलू व गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एक ही स्लैब होगा। यानी कि चाहे जितने भी बिजली का उपयोग करो लेकिन बिजली दर एक ही समान होगा। बता दें कि फिलहाल वर्तमान में कंपनी अलग अलग 2 दर्जन स्लैब के आधार पर ही बिजली बिल का वसूली करती है, जिनमें ग्रामीण इलाकों व शहरी इलाकों के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 2 ही स्लैब है। ग्रामीण इलाकों के लिए पहला स्लैब 1 से 50 यूनिट तो वहीं दूसरा स्लैब 50 यूनिट से अधिक के लिए है। इसके अलावा शहरी इलाकों के लिए पहला स्लैब 1 से 100 यूनिट तक तो वहीं दूसरा स्लैब 100 यूनिट से अधिक है। हालांकि कंपनी की ओर से एक ही स्लैब करने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर बिहार विद्युत विनियामक आयोग से मंजूरी लेनी होगी। के पाठक का निर्देश, एक दिन में 10 डिग्री कॉलेजों विद्यालयों का होगा निरीक्षण। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा शिक्षा व्यवस्था की पटरी पर लाने के लिए कई निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब एक बार फिर से के पाठक के द्वारा 15 अधिकारियों को एक बड़ा टास्क दिया गया है, जिसके तहत इन अधिकारियों को हर सप्ताह के शनिवार को एक दिन में 10 डिग्री कॉलेजों विद्यालयों का निरीक्षण करना होगा। मालूम हो कि इस संबंध में निदेशक प्रशासन सुबोध कुमार चौधरी के द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि सभी अधिकारी सप्ताह में एक दिन 10 डिग्री कॉलेज विद्यालय का निरीक्षण करेंगे और फिर उसकी रिपोर्ट तैयार कर जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपेंगे। वहीं डिग्री कॉलेजों का निरीक्षण रिपोर्ट शिक्षा विभाग के उपनिदेशक को उपलब्ध कराया जाएगा। राजधानी में हुए आपराधिक घटनाओं के एक महीने का आंकड़ा आया सामने। एक तरफ जहां बिहार के सुशासन सरकार की ओर से यह दावा किया जाता है कि राज्य में दूसरे राज्यों की तुलना में आपराधिक घटनाओं में गिरावट आई है, तो वहीं अगर हम आंकड़ों पर ध्यान दें तो यह बातें बिल्कुल गलत होती दिखती है। बता दें कि SSP राजीव मिश्रा के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि बिहार की राजधानी पटना में जुलाई महीने में केवल 30 हत्या को अंजाम दिया गया। वहीं इसके अलावा 16 लूट, डकैती के 2, वाहन चोरी के 421 और चेन छपटमारी के 14 घटनाएं
घटनाएं विभिन्न थानों में दर्ज करवाई गई है। हालांकि इन सब आंकड़ों के साथ एसएसपी के द्वारा यह भी कहा गया कि अधिकांश मामलों के उद्भेदन के करीब पुलिस पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया कि हत्या के मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं लूट के मामले में 32 और डकैती के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कई मामलों में अभी भी गिरफ्तारी चल रही। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि हत्या के करीब 75% मामलों में आरोपियों की पहचान कर ली गई है और पुख्ता सबूत भी इकट्ठा कर लिए गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि इन सभी मामलों में कुल 3,351 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ताकि प्रयास के मामले में 380 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि वाहन चोरी के 421 मामलों में 69 वाहनों को जब्त किया गया है। खेसारी लाल यादव को चेक बाउंस मामले में कोर्ट से मिली राहत। भोजपुरी एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव चेक बाउंस मामले को लेकर बीते दिन छपरा कोर्ट में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रियांशु शर्मा के न्यायालय में उपस्थित हुए, जहां उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा खेसारी लाल यादव के जमानत को मंजूरी देते हुए 10,000 के 2 बांध पत्रों को जमा करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट की ओर से अगली तिथि को चार्ज के लिए गायक खेसारी लाल यादव को सदैव उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है। मालूम हो कि असहनी ग्राम निवासी मृत्युंजय नाथ पांडे ने रसूलपुर थाने में 16 अगस्त 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि अपनी खरीद की जमीन को बेचने के लिए खेसारी लाल की पत्नी चंदा देवी से 22,07,000 रुपए में बात हुई थी, जिसकी रजिस्ट्री 4 जून 2019 को एकमा रजिस्ट्री कार्यालय में हुई थी। नगद के एवज में खेसारी लाल यादव द्वारा 18 लाख रुपए का चेक दिया गया था, वह बाउंस हो गया था। मछली पालन के लिए किसानों को केसीसी नहीं दे रहे बैंक। मत्स्य निदेशालय के द्वारा मछली पालन को लेकर विभिन्न जिलों में कैंप आयोजित कर किसानों को बैंक किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी दिलवाने के लिए 10,921 आवेदन को राज्य के विभिन्न बैंकों को स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के पोर्टल पर अपलोड कर भेजा गया था, लेकिन राज्य के विभिन्न बैंकों के द्वारा केवल 304 आवेदनों के लिए 3,57,82,000 रुपए ऋण स्वीकृत किए गए, जिसने कि मछली पालक किसानों में मायूसी है। इस बारे में पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री अफाक आलम के द्वारा बताया गया कि इस मामले को SLBC की बैठक में उठाया जाता है, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा। राज्य सरकार की ओर से इस मामले को लेकर केंद्र सरकार से भी आग्रह किया गया है कि वित्त मंत्रालय के माध्यम से बैंकों को केसीसी दिलाया जाए, लेकिन किसी भी स्तर पर सुनवाई नहीं की जा रही। इस दिन मुख्यमंत्री करेंगे शिक्षक संघ के साथ बैठक। पिछले काफी समय से शिक्षक संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत करने की अपील की जा रही थी। ऐसे में उनकी इस अपील को सुनते हुए सीएम नीतीश के द्वारा बातचीत करने को लेकर हामी भर दी गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षक संघ के बीच 5 अगस्त को शाम 4 बजे बैठक होने वाली है, जिसमें सीएम नीतीश, विजय चौधरी, CPI CPIM के विधायक, शिक्षक संघ के नेता समेत महागठबंधन के तमाम नेता मौजूद रहने वाले हैं। वहीं इस बैठक में शिक्षक संघ के द्वारा अपनी समस्याओं और अपनी मांगों को सीएम नीतीश के सामने रखा जाएगा। मालूम हो कि इस बात की जानकारी CPIM के विधायक सुदामा प्रसाद के द्वारा दी गई है। बिहार में बढ़ रहे सनबर्न वायरल से पीड़ित मरीज। एक तरफ जहां आई फ्लू ने बिहार वासियों को परेशान कर रखा है, तो वहीं दूसरी ओर अब सनबर्न के वायरल से पीड़ित मरीज भी सामने आने लगे हैं। बता दें कि अस्पतालों में त्वचा रोग से पीड़ित मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। त्वचा रोग में लोगों को एक्जिमा, रिंगवार्म या फोड़ेफुंसी जैसी बीमारियां हो रही है। मालूम हो कि यह सब अधिक धूप के कारण हो रहा। मालूम हो कि बिहार की राजधानी पटना में स्थित IGIMS में 10% मरीज चर्म रोग से पीड़ित है। वहीं PMCH में रोजाना 350 से 400 मरीज पहुंच रहे हैं। ऐसे में लोगों को सनबर्न से बचने के लिए पूरी बांह का कपड़ा पहनना चाहिए। इसके अलावा बाहर धूप में जाने से पहले छाता लेकर जाना चाहिए या चेहरे को ढककर जाना चाहिए। धूप से बचने की कोशिश इस समस्या से छुटकारा दिला सकती है। मुंबई में पुल निर्माण के दौरान बिहार के मजदूरों के साथ हुई दुर्घटना, 3 की मौत। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पुल निर्माण के दौरान बिहार के 5 मजदूरों के साथ दुर्घटना हो गई। दरअसल पुल निर्माण के दौरान क्रेन मशीन मजदूरों पर गिर गई, जिससे कि उन 5 में से 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनकी पहचान 30 वर्षीय लवकुश कुमार, उनका 28 वर्षीय चाचा पप्पू कुमार और 37 वर्षीय सुरेंद्र पासवान के रूप में की गई है। ये तीनों बिहार के अरवल जिले के वंशी प्रखंड के माली गांव के रहने वाले हैं। वहीं जो 2 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, फिलहाल उनका उपचार चल रहा, जिनकी पहचान चंद्रकांत वर्मा और प्रेम कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं इस बात की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में मातम का माहौल कायम हो गया है। बता दें कि गुरुवार की सुबह 3 मृतकों का शव आने के बाद पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई है। पटना मेट्रो के कॉरिडोर 2 में TBM 1 की इनिशियल ड्राइव पूरी। पटना मेट्रो रेल
परियोजना के कॉरिडोर 2 के अंतर्गत मोइनुल हक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन स्थित पहले टीबीएम 1 के इनिशियल ड्राइव का काम पूरा हो चुका है, जो कि 85 मीटर का था। वहीं अब इस काम के पूरा होते ही टीबीएम 1 के मेन ड्राइव के काम की शुरुआत कर दी गई है। ऐसे में इस कार्य को पूरा होने में लगभग 20 दिन का समय लग सकता है। बता दें कि कार्य निदेशक के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मलाही पकड़ी से ISBT के प्रायोरिटी कॉरिडोर का 41% काम पूरा हो चुका है और अब इस कॉरिडोर के 3 स्टेशन ISBT खेमनीचक और भूतनाथ रोड के लिए क्रॉस आर्म के इरेक्शन का कार्य शुरू हो गया है, जबकि एक अन्य स्टेशन मलाही पकड़ी में क्रॉस आर्म के इरेक्शन की तैयारी चल रही है। ज्ञानवापी मस्जिद पर सुशील कुमार मोदी का बड़ा बयान। आज यानी कि गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर ASI सर्वे को हरी झंडी दे दी गई है। ऐसे में अब इस पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। हम हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। अब इंतजार कीजिए कि क्या रिपोर्ट आती है। ASI इस बात की जाँच करेगा कि हिंदू मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी या स्थित है, इसलिए अब फैसले का इंतजार करना ज्यादा सही होगा। WTC पॉइंट्स टेबल में हुआ बड़ा फेरबदल। टीम इंडिया इतने नंबर पर है मौजूद। SS सीरीज 2023 के अंत के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल में काफी फेरबदल देखने को मिले हैं। बता दें कि इस पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान की टीम टॉप पर बनी हुई है। पाकिस्तान के पास 2 मैच जीतने के साथ ही कुल 24 पॉइंट्स मौजूद है। वहीं टीम का जीत प्रतिशत भी 100 है। वहीं दूसरे नंबर पर टीम इंडिया बना हुआ है। बता दें कि टीम इंडिया के 2 मैच खेलने के बाद कुल 16 पॉइंट्स है और टीम 66.67% के साथ टेबल में दूसरे नंबर पर है। वहीं स्लो ओवर रेट के चलते ICC द्वारा काटे गए 19 पॉइंट्स का इंग्लैंड को WTC टेबल में भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है। SS सीरीज में 5 मैच खेलने के बाद इंग्लिश टीम के कुल 9 पॉइंट्स बचे हैं और टीम टेबल में 5वें स्थान पर खिसक गई है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया को भी स्लो ओवर रेट का खामियाजा भुगतना पड़ा और टीम 18 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर काबिज है। कैट 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन की हुई शुरुआत। अगर आप भी मैनेजमेंट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और इसके लिए कैट की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कैट 2023 एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और इसकी आखिरी तारीख 13 सितंबर शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वह IIM CAT 2023 की आधिकारिक वेबसाइट IIMCAT.ac.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें इसकी परीक्षा 26 नवंबर को 3 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। वह इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 25 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। मालूम हो कि इस परीक्षा के लिए लगभग 155 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें से परीक्षार्थी को किसी 6 परीक्षा केंद्र को अभ्यर्थी के द्वारा अपने सुविधानुसार चुनना होगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कमलेश शर्मा, अमरदीप कुमार, मुट्टू रंगीला, राजकिशोर महतो, सदुल्लाह पलवी, नन्नू गोलू कुमार, मोहम्मद अफजल मंसूरी, उमेश ऋषिदेव, कन्हैया कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, नौशद अंसारी, अहमद हलेश्वर कुमार, मनोज कुमार, अनवर करीम खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार पहले की तुलना में वर्तमान में राज्य में आपराधिक घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है या कमी आई है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।